करना है तो सबमिट का बटन दिखेगा ये सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा कैसे क्लिक करोगे ना तो आपको एक वेबसाइट जा पर ले जाएगा ले पर मेरे को को वेबसाइट पूछा दिया दिख रहा है साइन जाएगा विद गूगल यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैसे क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल में जितना भी ई एम आई होगा ना खुल के आ जाएगा कोई भी ई एम आई से साइनअप कर लेना यहाँ पर मैं कोई भी एक ईमलारी से साइनअप कर लिया अभी आपको यहाँ पर आपका नाम पूछेगा जो यहाँ पर मैं साइन अप हो गया है अब यहाँ पर मेरे को नाम पूछा तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ नाम डालने के बाद आपको नीचे कच्चों को बटन दिखेगा वहाँ पर क्लिक कर देना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पर पाँच सैल लाइन का कुछ भी डाल के कंचू बटन ना नीचे दिखेगा वहाँ पर क्लिक कर देना है कंचू बटन पर कैसे क्लिक करोगे ना तो आपको दूसरा पेज ना ओपन हो जाएगा तो आपको पर आपको यहाँ पर पैचर नंबर वापस ना कन्फर्म करने के लिए बोल रहे हैं ध्यान से वापस आपको पैचर नंबर समझू समय वही पेच नंबर डालना है यहाँ पर डाल के कंचू पर क्लिक कर देना है फिर आपका बर्थडे पूछेगा तो आपको यहाँ पर बर्थडे रैंडम से कोई भी बर्थडे डाले ना पचास साल के ऊपर होना चाहिए तो आप लोगों को मैं बर्थडे डाल के नीचे के कंचू बटन पर मैंने क्लिक कर दिया जनडेल चलेक्ट कर लिया यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अपलोड योर प्रोफाइल इमेज तो आपको नीचे ना क्लिक कर देना है अपलोड हो प्रोफाइल इमेज पर वहाँ पर पे पे आपको ना आपका ना गैलरी पर भेज दिया आपको भी ना रैंडम से कोई भी इमेज ना उठा के यहाँ पर ना डाल देना यहाँ पर मैं कन्फर्म करके यहाँ पर ना इमेज डाल दिया देखो ओपन योर जीमेल टू वेरीफाई तो कुछ आपको कुछ नहीं करना अपना जी मेल खोलना है अब आपको देखो तीन लाइन दिख रहा है बाजू में वहां पर क्लिक करके आपको देखो बाजू में दिखेगा ओल्ड मेल यहां पर आपको क्लिक करना है कैसे क्लिक करके आपको सबसे टॉप पर दिखेगा वेरीफाई यूर ई मेल एड्रेस ये ओपन करना है फिर आपको देखो नीचे दिखेगा वेरीफाई योर मेल एड्रेस यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना आपको ऑटोमेटिक वो वेबसाइट पर पहुंचा देगा और यहाँ पर आपका ना ई मेल ना वेरीफाई हो जाएगा अब मैं पेट्रोल खोल के देखा ना ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर दो सौ रुपया रिसीव हो सकता है आपको सामने देखो पेमेंट प्रूफ और पेमेंट मेरे को इंस्टेंट आप पेट्रोल रिज़्यू हो गया था